companies should provide free accommodation if the company has more than 50 workers and the salary is 1500 now what the companies are doing is a very good job they are adding the salaries from 1500 make it hello guys How are you? so ho to doston ek bahut badi khabar samne aa rahi hai doston ek bahut news proper explain karne wala a 2 3 minute video last tak ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके क्योंकि वर्कर से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है जो भी न्यूज़ आता है मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बताता हूँ अपडेट के बारे में तो आप लोग भी बहुत सारे लोग ने इस पर वीडियो भी बनाई है और बहुत सारे लोग इस पर न्यूज़ भी आया है आप लोग भी सुना होगा इस खबर के बारे में तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या ये इस न्यूज़ में क्या सच्चाई है तो इसी के ऊपर दोस्तों प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो लास्ट तक देखना ठीक है तो हुआ क्या दोस्तों कि अबू धाबी गवर्नमेंट जो यू की कैपिटल है अबू धाबी दोस्तों उसने एक ऐलान की थी और बताया था क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि यू के अंदर आप यू के अंदर सात स्टेट है दुबई है राशल ख़ेमा है आजमान है शारजा है फुजेरा है इस तरह से सात स्टेट है अबू धाबी है दोस्तों सात स्टेट है अबू धाबी कैपिटल है ये सब का तो दोस्तों क्या है कि सात स्टेट में जो रूल है के मामले में दोस्तों वो थोड़ा अबू धाबी में कड़क है और जितने भी सात स्टेट के मुकाबले तो अबू धाबी गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले एक ऐलान की थी और बताई थी कि अगर जिसकी क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल अभी तक पास नहीं है यू के अंदर आपको आप जितने में भी एग्री हो जाओगे उन लोग कंपनी को, को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर पाँच सौ द्रम में एग्री होकर आपने एग्रीमेंट साइन कर ली तो आपका वीज़ा लग जाएगा अगर आप दो सौ द्रम में हज़ार दरम में उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है कतर है उमानवे सऊदी में, में मिनिमम सैलरी का रूल पास है इसके लिए कम से कम वर्कर की सैलरी इससे कम नहीं हो सकती है अगर इससे कम कोई भी कंपनी लगाती है तो उसका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे कंपनी और वर्कर का बीच का जो यह सिस्टम है वो सिर्फ़ वर्कर और कंपनी ही निकाल सकती है इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है सैलरी के मामले में तो हुआ क्या दोस्तों थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने ऐलान की थी अबू धाबी गवर्नमेंट ने कि जिसकी सैलरी पंद्रह सौ दरम से कम है उसका जो खर्च है दोस्तों वो कंपनी को मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग और ये रूम का खर्च ठीक है वो सारा कंपनी को देना चाहिए ये आदेश नहीं दी थी दोस्तों ये कंपनी सारे कंपनी से आग्रह की थी गवर्नमेंट ने और बताई थी कि अगर जिस भी वर्कर की सैलरी पंद्रह सौ द्रम से कम है उसका रूम लाजिम कंपनी को देना चाहिए और ट्रांसपोर्टिंग लाजिम कंपनी को देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे मैं जो देख रहा हूँ दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे भी कंपनी मैंने देखा है कि मान लीजिए हज़ार बारह सौ तेरह सौ सैलरी है उसमें कंपनी खुद बोलते कि आप खुद रूम लेकर रहो क्योंकि रूम का जो बेड स्पेस है तीन सौ या ढाई सौ दो सौ दरम ऐसा लग जाता है तो बहुत सारे कंपनी ऐसे भी है लेकिन एट्टी कंपनी ऐसे भी है जो सारा चीज़ प्रोवाइड कराती है जितने बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है और रूम और ट्रांसपोर्टिंग लाजिम प्रोवाइड कराती है तो जिनकी सैलरी पंद्रह से कम है दोस्तों अगर छोटी कंपनी है या फिर बड़ी भी कंपनी है और ट्रांसपोर्टिंग और रूम नहीं दे रही है तो आप चाहो दोस्तों तो आप कंपनी में बात कर सकते हो पूछ सकते हो कि नया रूल आया है कि ये वर्करों को ये सब चीज़ देना चाहिए अगर कंपनी नहीं मानती है तो आप मुहरे में भी शिकायत कर सकते हो तो रियलिटी यही थी दोस्तों बट और कुछ नहीं जो खर्च है मतलब ट्रांसपोर्टिंग और ये रूम का रेंट क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है दोस्तों आप अगर मीटर टैक्सी से ट्रैवल कर लो वर्कर टाइप के लोग तो मीटर टैक्सी से ट्रैवल कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग लगा सात आठ दरम स्टार्टिंग है जैसे ही बिल टैक्सी स्टार्ट होगी वैसे ही सात आठ दरम लगभग आपको मीटर आ जाएगा तो तो बस की बात नहीं है बट रूम भी वही है ढाई सौ तीन बेड स्पेस का है तो ये दोनों का खर्च दोस्तों लाजिम कंपनी को देना चाहिए आप क्या सोचते हैं आपकी कंपनी देती है कि नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों ये कुछ जानकारी था ये कुछ अपडेट था कुछ कन्फ्यूजन है कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मिलता हूँ नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ जब तक जय हिंद